हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के विकासनगर में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। यहां पर एक घर में आग लगने से 60 वर्षीय बुजुर्ग जिंदा जल गया। हादसा गुरुवार सुबह करीब 4 बजे पेश आया। आग इतनी भयंकर थी कि व्यक्ति को बाहर निकालने का मौका भी नहीं मिल पाया। घर के अंदर पूरा सामान भी जलकर राख हो गया। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक बुजुर्ग आधे से ज्यादा झुलस चुका था। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बुजुर्ग की पहचान किशोर बजाज के रूप में हुई है। बुजुर्ग घर में अकेला ही रहता था। उसकी पत्नी की कुछ समय पहले मौत हो चुकी है और बेटा जेल में है। जिस फ्लैट में आग लगी वो 4 मंजिला है। हादसा पहली मंजिल में पेश आया। स्थानीय लोगों ने घर से धुआं निकलता देखा तो तुरंत इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। विभाग की गाड़ियां तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और आग को तो बुझा लिया लेकिन बुजुर्ग को नहीं बचा सके। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। हिमाचल से जुड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 के साथ।